कि भाई का इतना सा शॉप है जिसका ये 2000 रियाल देते हैं महीना। हमको ये चाहिए मीडियम ओट हीरो 9 जैतून का अचार है, ये स्मॉल खीरा है, ये इंडिया ही से आया हुआ है। हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल है? तो आज हम लोग का सडनली प्लान बन गया है जाने का बथा मार्केट, तो जा रहे हैं बथा मार्केट अभी, और अभी गाड़ी में भैया डोलमित भाई गए हुए ऑलरेडी, हम भी जा रहे हैं। तो आज आपको दिखाएंगे बथा मार्केट और सिपरी मार्केट, अभी चलते हैं आगे। जी भाई लोग, तो हम लोग गाड़ी में आ गए, हमारे उम्मीद भाई स्पेशल आदमी है, ये लास्ट टाइम गए थे पोदुम मॉल तो वो बोले थे कि नहीं लेंगे, जब हम लेके आए गए कपड़ा तो फिर ये बोलते हैं कि हम भी लेंगे। अब तो अभी वहीं जा रहे हैं, पोदुम मॉल जा रहे हैं, वो है फिलिपिनी मार्केट में, फिर वहाँ से हमें कुछ सामान लेना है कैमरा का, वो भी चेक करें वो है कि नहीं। तो उम्मीद भाई लास्ट टाइम कहीं नहीं लिया कपड़ा, वो उस टाइम कॉस्टली था ना, उस टाइम कॉस्टली था, ईद के टाइम था ना वो, कॉस्टली था, अभी थोड़ा सा प्राइस डाउन आ गया। हमारे उम्मीद भाई तो स्पेशल पर्सन है, तो वही जा रहे हैं पता रास्ता ही में है। ये जो सामने देख रहे हैं छाता जैसा, यहाँ पे जो बाज चिड़िया है ना उसका लगता है मेला सुबह सुबह फ्राइडे को लगता है, इसका कभी बढ़ाएंगे वीडियो कभी, इसके हम भी नहीं देखे हैं अभी तक। और ये है सऊदी का कोर्ट। जी भाई लोग, तो आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट किया कीजिए। हम जो मैं यूट्यूब का जो मैं देखता हूँ रिकॉर्ड, उसमें 90% लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी बथा पहुँचने वाले हैं, बथा पहुँच गए हम लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। ये जो सामने देख रहे हैं ये लाइट जहाँ जल रहा है ग्रीन ब्लू, ये है लहम मार्केट और रियाद का फिश मार्केट, यहाँ पे गोश्त और फिश मिलता है। वो जो आप देखे हैं वो एक लहम मार्केट है, उसमें गोश्त और मछली का बहुत बड़ा मंडी है, बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे अच्छा रेट और सस्ता मिलता है। अगर आप लोगों को देखना है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका बनाऊंगा एक स्पेशल वीडियो। अभी शाम का टाइम है, अच्छा खासा ट्रैफिक चल रहा है अभी, और फ्राइडे को तो अच्छा रश रहता ही है मार्केट में। ये है इंजाज, यहाँ से लोग पैसा भेजते हैं, इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश फिलिपीन, यहाँ से पैसा ट्रांसफ़र होता है। तो हम लोग आ गए हैं फिलिपिनी मार्केट में, ये है फिलिपिनी मार्केट। तो अब आ चुके हैं, अब जा रहे हैं पोदुम के अंदर। इसका वीडियो ऑलरेडी लास्ट टाइम बना है हम लोग, तो आप लोग नहीं देखेंगे तो देख सकते हैं, बटन में होगा। तो यही पैंट लेने आए हैं हमारे उम्मीद भाई, लास्ट टाइम हम नहीं लिए थे, ये कैट का है, 109 रियाल में चल रहा ऑफर में। ये नेकरा हुआ करती थी पहले सरकारी स्कूलों में, हाफ पैंट ना, हाफ पैंट और सफेद शर्ट हमारे टाइम में थी, हम स्कूल में जब जाते थे तो बोलते ड्रेस पहन के आओ, ये ड्रेस होती थी ऐसी होती थी, सफेद शर्ट हाफ पैंट सरकारी मिडिल स्कूल में। तो शॉपिंग हो गया है हमारा, उम्मीद भाई का 312 लग चुका है, अब तो जा रहा है कैमरा मार्केट में, थोड़ा सा कैमरा का सामान लेना है। और हमको जाना है इस मार्केट के अंदर, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इसमें अगर आपको कैमरा वैमरा लेना है यहाँ अच्छा मिलता है। हाँ, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्शियल सेंटर, इसे पूरा कैमरा का शॉप है, देखिए ये सब पूरा कैमरा दुकान है। हमको ये चाहिए मीडियम ओट हीरो 9 ब्लैक का, ये मिल नहीं रहा मार्केट में, चेक करते हैं कहीं और मिल जाए, इसके यहाँ देखते हैं, ये भी कैमरा शॉप है। हाँ मोहम्मद, सलाम अलैकुम। कैमरा शॉप में आए लेकिन मिल नहीं रहा है जो हमको चाहिए, ये ऑनलाइन ही मिलेगा, इसको ऑनलाइन लेना पड़ेगा अब अमेजोन से। ये सब पूरा कैमरा दुकान है, अगर आपको कभी कुछ चाहिए तो आप यहाँ पर आके ले सकते हैं, यहाँ पे सब सामान मिलता है कैमरा का, ब्लॉगिंग का, यूट्यूब के लिए जो कैमरा चाहिए आपको, एक्शन कैमरा नॉर्मल कैमरा सब मिल जाएगा। और इसके अंदर पूरा मोबाइल दुकान भी है। अभी एक सिलाई दुकान में आए हुए हैं, जींस लिए थे उसका साइज थोड़ा बड़ा है, तो साइज को छोटा करवाना है, वही साइज यहाँ पे छोटा कर रहा है, उसका 10 रियाल बोला है, 10 रियाल चार्ज है।
और ये पीछे जो देख रहे हैं, ये पीछे में निस्टो है, अल्बेट है, दोनों है इसके अंदर में। जैसे था पहले वैसे बन जाएगा एकदम सेम सेम। अभी नमाज का टाइम हो गया, देखिए सब यहाँ पे शॉप सब जो है बंद हो रहा है। हेलो, ये सब पूरा टिकटॉक स्टार सब है, सब टिकटॉक बना रहा है। ये जो है ये पूरा एरिया है फिलिपिनो मार्केट का, यहाँ पे फिलिपिनो आइटम बहुत मिलता है। अब आए हैं फिलिपिनो मार्केट के अंदर में, एक गिलास में लगाना है स्क्रू, वो गिर गया था उसी को ठीक कराना है। ये भाई का इतना सा शॉप है, इसका ये 2,000 रियाल देते हैं महीना, आप इसका मान सकते हैं इन इंडिया का 39,000 रुपीस इसका रेंट है, इतना ही का, इतना ही दुकान का रेंट है 39,000 रुपीस पर मंथ। भाई इंडिया कहाँ से हो आप? कहाँ से इंडिया? मैं दिल्ली से भाई जी। दिल्ली से आप? हाँ जी। आप कितना पे करते हैं इसका? 2,000 रियाल। बाकी आपका एकामा चार्ज अलग है सब ना? एकामा, रूम, खाना पीना ये सब अपना है। तो इतना सारा दुकान में हुआ था काम? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखो भाई बेचारे खाली घड़ी का बैटरी लगा कर स्क्रू लगा के महीने का पे करते 4,000 रियाल। एकामा चार्ज, इंश्योरेंस सब कुछ है इसी में। हम लोग देखे नहीं कितना छोटा सा दुकान का वो कितना रेंट पे करते हैं, यहाँ के हिसाब से वो 2,000 रुपये ही, जैसे इंडिया में 2,000 रुपये है वैसे यहाँ का 2,000 रियाल है। बताया काम हो गया कंप्लीट, अब जा रहे हैं हम लोग ओथम मार्केट, सामान लेना है कुछ हम लोग को खाने पीने का मेस का, अब वहाँ मिल रहे हैं ओथम मार्केट में आपसे। देखिए आप लोग, अगर आप लोग यहाँ से सऊदी से चले गए होंगे, अगर देखते होंगे ये वीडियो तो ये सब आपको याद आता होगा कि कभी इसमें हम लोग घुमा करते थे बथा में। क्या मित भाई हम लोग भी ऐसे वीडियो देखेंगे अभी 5 साल के 10 साल के बाद? घर बूढ़े बड़े 10 साल पहले कैसा था, 20 साल बाद की पुलिस का कैसा हो गया बता भाई। कभी अपने बच्चों के बारे में सोच के हमारे बच्चे भी इधर आगे घूमेंगे, अल्लाह ना करे इधर किसी को बच्चे को घूमने के लिए, इधर काम करने के लिए, वर्कर के लिए आ जाए, घूम रहा हज के लिए आए बात अलग है, लेकिन वैसे मत सोचो कि हम देख बेटा ये पता है इधर काम होता है, इधर सामान मिलता है, ये शिक्षा मत दी अपने बच्चों को, उधर ही अपना बिजनेस जो भी कारोबार है उधर ही अच्छा है, अपने देश में ही अच्छा है, पर देश की नौकरी बहुत बहुत मुश्किल में है भाई, खुद शहर काम करना पड़ता है, सुबह ड्यूटी करनी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है, तो इसलिए मेरे भाइयों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को वहीं सक्सेस करो, वहीं कामयाब करो। और ये पता है हम लोग आ गए हैं और आप लोग भी आए होंगे, इधर देखा होगा यहाँ का क्या हाल है, क्या परेशानी है, और आप लोग भी अभी अपनी पुरानी याददाश्त को ताज़ा करो। अभी हम लोग का प्लान चेंज हो गया है, अभी हम लोग ओथम नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग पहले जा रहे हैं बरकात ऑप्टिकल, तो वहाँ पे हमारे उम्मीद है को थोड़ा गिलास बनाना है, ये गिलास तोड़ लिए थे लास्ट टाइम जो गए थे वादी नमार में, वहाँ गिलास तोड़ लिए थे, तो अब हम लोग वहीं जा रहे हैं गिलास बनाने के लिए। और सामने में अलकसर मॉल है, बहुत अच्छा इसका लाइटिंग है यहाँ पे। देखिए हम आपसे इस मॉल का बात कर रहे थे, अलकसर मॉल ये है, देखिए कितना अच्छा लाइटिंग है इसका किया हुआ। तो अभी आ चुके हैं ऑप्टिकल बरकात में, और पीछे देखिए बिल्डिंग में कितना अच्छा लाइट जल रहा है, ये सब गिलास बन रहा है, हमारे उम्मीद भाई का गिलास तोड़ लिए थे तो उसी का बनवा रहे हैं गिलास, और ये सब सन गिलास है। अभी वेट कर रहे हैं उनका, अभी आँख टेस्ट होगा, उसके बाद फिर से बुनिया गिलास बनेगा। ऐसे होता है यहाँ पे आँख टेस्ट, ये पूरा आँख टेस्ट का मशीन है। ये सब बच्चों का गिलास है। तो
तो हमारे उम्मीद भाई घूम रहे थे गिलास पहन के, तो ऐसे चेक किया जाता है यहाँ गिलास लगा के। आप बाहर में घूमिए, चेक कीजिए कि पॉइंट सही है या नहीं है। एक बार देखिए कितना पॉइंट्स करीब है, ये पूरा पॉइंट है। आज हमारे उम्मीद भाई का 500 रियाल खर्चा हो गया कपड़ा लेने में और गिलास बनाने में। अब गिलास का काम ये हो गया, कब देगा उनको? आफ्टर 3 डेज, 3 दिन के बाद मिल जाएगा गिलास। यहाँ तो गिलास तो पहले बोले बहुत एक्सपेंसिव गिलास यहाँ है, चार्ज मेकिंग चार्ज भी प्लस, मेकिंग चार्ज भी प्लस और गिलास का चार्ज दोनों यहाँ बहुत महंगा है। इनका तो इंश्योरेंस था, तो इसलिए थोड़ा प्राइस कम लगा है, नहीं तो और ज़्यादा लगता है। 300 ना। चलिए अब जा रहे हैं ओथम। तो हम लोग ओथम में भी आए हैं, ये ओथम हम लोग के रूम से बगल पीछे ही है, पास में ही है, इसलिए यहाँ पे आए हैं। क्योंकि बथान जाते तो थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक रहता आज, इसलिए हम अपने रूम के पास ही आए हैं। कुछ ज़्यादा सामान नहीं लेना, हल्का फुल्का सामान लेना है। उम्मीद भाई का फेवरेट आइटम है जैतून, तो सबसे पहले जैतून लेंगे। ये सब पूरा जैतून ही है, जैतून का अचार है। ये स्मॉल खीरा है, ये इंडिया ही से आया हुआ है, स्मॉल खीरा सब पूरा अचार का आइटम है सब। ये प्याज लिए हैं अभी, ये है मसूरी प्याज और ये है यमनी प्याज। ये अपना इंडिया का मिर्ची है चिली, ये देखिए इंडियन चिली 14 रियाल किलो, 14-15 रुपये। और सऊदी में ऐसे मिलता था यह पत्ता बिना जड़ का, इसमें जड़ नहीं है, सिर्फ ये इसका जो डाली है वो तोड़ा हुआ है बस, इस तरह का उत्पादन है पत्ता। जब सऊदी में कोरोना टाइम पीक था तो यही ऑरेंज मिलता था 9 रियाल किलो, अब 10 रियाल किलो अभी मिल रहा है 3 रियाल किलो, 2.95। टाइम की बात है सर, अभी थोड़ा प्राइस कम गया, पहले जब कोरोना टाइम पीक था मास्क का डब्बा 50 रियाल का मिला था, अभी 5 रियाल हो गया। हाँ, सामान लिए, पूरा शॉपिंग हो गया हम लोग का, अभी काउंटर पे बिलिंग हो रहा है। तो लंबे समय से रूम से बाहर आने के बाद अब रूम में वापस आ गए, तो आज का यही था हम लोग का रूटीन। मार्केट गए, थोड़ा सामान वाले यहाँ था जरूरी का, तो सब सामान ले लिए हैं, अब वापस आ गए हैं रूम में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा हम सबको। बाय बाय।